बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन को तो हर कोई जानता ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी सावंत की, जिनकी शादी आज तक एक सस्पेंस बनी हुई है। राखी के पति देव को हर कोई देखना चाहता है, लेकिन राखी आज तक कभी अपने पति को सामने नहीं लाई। किसी को नहीं पता कि राखी की शादी सच में हुई भी है या बस ये राखी के झूठ है। राखी ने शादी का दावा तो कर दिया है, लेकिन राखी के पति हैं कौन, दिखते कैसे हैं, ये किसी को भी नहीं पता और शायद खुद राखी को भी नहीं पता, क्योंकि सबका मानना है कि राखी का शादी का वादा झूठा है। लेकिन राखी के इस शादी के दावे में कितने झूठ हैं और कितने सच, ये तो बस राखी ही जानती होंगी। आपको बता दे, राखी के शादी के दावे के बाद से ये राखी का पहला करवा चौथ है। जब से राखी के दावे से राखी की शादी हुई है, तब से राखी हमेशा मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आती हैं। हर प्रोग्राम, हर फंक्शन में राखी अपने पति देव का जिक्र जरूर करती हैं। लेकिन फिर भी अपने पति को राखी ने ऐसे छुपा रखा है जैसे उसके पति को लोगों की नजर लग जाएगी। एक फंक्शन में जब राखी से रितेश को सामने लाने के लिए कहा गया, तो राखी ने जवाब दिया, रितेश एक बहुत ही प्राइवेट इंसान है, उनको मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें मीडिया के सामने आकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो एक बिजनेसमैन है और बहुत ही सुलझे और साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी हैं। बता दें कि राखी सावंत ने 28 जुलाई को मुंबई के JW मैरिड होटल में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। पहले तो उन्होंने गुपचुप शादी की और उसको ब्राइडल फोटोशूट बताया। उसके बाद उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी करने का दावा दिया। अब देखना ये है कि राखी अपने पहले करवा चौथ पर अपने पति को पूरी दुनिया से रूबरू करवाएंगी या इस बार भी अपने पति को सबके आगे ना लाकर एक बार फिर अपने फैंस की चाह अधूरी छोड़ देंगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।